हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं मिक्की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम के लिविंग लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ भेज अंडा कड़ी और ये टमाटर का है, और चलिए इसको बनाती हूँ। बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर अभी इस चैनल को देख रहे हो, नए हो, तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे इसके लिए। तो चलिए, मैं यहाँ देखिए टमाटर को टमाटर ली हूँ, 6-7 टमाटर, इसको देखिए काट ली हूँ ऊपर के हिस्से को, और इसको निकालना नहीं है पूरी तरीके से, एक साइड इसको छोड़ दिए हैं, और इसके मसाले जो अंदर के हैं गुद्दे वो सारे निकाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे करके इसको निकाल दे रहे हैं। देखिए ये पूरे टमाटर को आप पूरे नहीं काटें, और चाकू की मदद से ही इसको निकाल लें धीरे से, इधर से उधर चाकू ना इधर से उधर करना है, पार करना है ना, तो अब मसाले निकालते समय इसको बहुत ज़्यादा छेदा कर दें। और इधर कढ़ाई गरम होने दे दिए हैं, कढ़ाई गरम हो गया, इसमें आधा चम्मच से कम तेल डाली हूँ। देखिए थोड़ी सी तेल डालें, इसमें थोड़ी सी प्याज को फ्राई करना है, और मसाले की स्टफिंग जो करेंगे टमाटर में उसको, उस मसाले को यहाँ फ्राई करेंगे। तो मैं देखिए यहाँ एक छोटी प्याज ली हूँ, और उसको काट ली हूँ छोटा छोटा, बहुत ही पतला काम है। उसके बाद यहाँ पनीर ली हूँ, पनीर या तो दूध को मैं बताई हूँ, इससे पहले भी मैं भेज अंडा कढ़ी बनाई हूँ। देखिए उसको मैं आलू और ये पनीर से बनाई हूँ, तो उसमें मैं पनीर को फाड़ी हूँ कैसे दूध को, वो भी बताई हूँ। नींबू यह विनेगर की मदद से फाड़ ली हूँ, और यहाँ दो आलू है उसको मैस के डाली हूँ। इसको मैस के डालने के बाद इसको तब तक हम फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा मैस देंगे तो क्या होगा कि ये नहीं फ्राई होते हैं चोखा, और ऐसे ये फ्राई हो रहे हैं। तो अब चलिए इसमें नमक डाल देते हैं, इसके अंदर जो स्टफिंग करेंगे उसमें थोड़ी टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें नमक डाल देती हूँ, और नमक मैं यहाँ आधा चम्मच जैसी डाली हूँ, ताकि अंदर की सिर्फ टेस्ट के लिए ये मसाले स्टफिंग जो करेंगे इसके लिए ये अभी फ़िलहाल नमक डाली हूँ। और इसके देखिए अब ये भुगा गया है, इसको ठीक से अब मैश लेते हैं, क्योंकि अब नमक डाल दिए हैं, ये ठीक से नमक भी मिला लिए हैं, और आधा चम्मच जैसे मैं यहाँ मटन का मसाले डाल रही हूँ, और यहाँ गोलकी का पाउडर है एक चुटकी जैसे, आधा चम्मच से भी आधा, एक छोटी चम्मच है उससे भी आधा, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना है इसलिए एक चुटकी जैसे यहाँ डाल दी हूँ उसके टेस्ट के लिए। और अब चलिए देखिए ये मैश के इसको मिला दिए हैं, और मिल गया है अच्छे तरीके से ये पनीर आलू और प्याज, और ये देखिए भुगा गया है कढ़ाई, ये खुद छोड़ दिया है, मतलब ये सब्जी भुगा गया है। चलिए अब इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। देखिए स्टफिंग बहुत ही लाजवाब बना है, आप इसी तरीके से अगर बनाए तो यकीन मानिए आप नॉन वेजिटेरियन खाने भूल जाएंगे। यहाँ दो चम्मच तेल डाली हूँ उसी कढ़ाई में, और फिर यहाँ देखिए टमाटर में स्टफिंग करेंगे ये मसाले, ऐसे ही इसको स्टफिंग कर लेती हूँ, और इसको भरने के बाद थोड़ी सी प्रेस करके इसको दबा देंगे तो ये चिपक जाते हैं, ताकि इसके अंदर तेल ना जाए, ठीक से फ्राई हो जाए मसाले। ये देखिए ये सारे को मैंने स्टफिंग कर ली हूँ, और उसके बाद यहाँ तेल गर्म हो गया है, तेल गर्म होना चाहिए तब ये अच्छे से पकते हैं, नहीं तो तेल अगर ठंडा रहे तो ये चिपक जाएंगे और अच्छा से नहीं बनेंगे, गीला गीला हो जाएंगे सारे टमाटर। तो क्या करें, तेल धुआं उठने लगे उसके बाद इसमें डाले टमाटर, मैंने देखिए सारे टमाटर को इसको डाल दी हूँ, सेलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए सारे टमाटर इसको डाल दिए हैं। अब इधर चलिए मसाले तैयार करते हैं, इधर टमाटर फ्राई हो रहा है तब तक इधर मसाले को मैं तैयार करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ देखिए एक कटोरी ली हूँ, और इसमें तो इस देखिए इस कटोरी में मैं यहाँ मटन वाला मसाला डाल रही हूँ छोटी चम्मच में, एक चम्मच जैसा मसाला है, और यहाँ 3-4 कली लहसुन है, और इसको ये टमाटर से जो निकाले थे इसका गुद्दा सब, ये सारे को यहाँ डाल दी हूँ। इसको पीसना है, ये ऐसे नहीं पकेंगे, इसका जो है जूस है टमाटर का उसको अभी नहीं डालना है, पहले यहाँ सारे मसाले डाल लेती हूँ। अब इसमें गरम मसाले डाल रही हूँ, यहाँ बड़ी इलायची है आधा टुकड़ा, छोटी इलायची एक ठो, और दालचीनी है छोटी छोटे सा टुकड़ा है उसका, और ये जो है साहिल जीरा सब थोड़ी थोड़ी 10-12 जीरा है, ऐसे करके मैं इसको डाल दिया हूँ। अब यहाँ जीरा और हल्दी, देखिए मैं यहाँ हल्दी इसी में डाल दे रही हूँ, यहाँ 2 चम्मच जैसा हल्दी डाली छोटा चम्मच में, और आधा चम्मच जैसा ये धनिया का पाउडर है, और ये जीरा है खड़ा जीरा है, और इसको 1 चम्मच है, और ये 7-8 काली मिर्च है,
ये सारे को अब इसमें मिक्सर जार में डाल देते हैं, इसमें पीस लेंगे। ये टमाटर का जो है जूस है इसमें इसको डाल दिए, इसी की मदद से ये पिसा जाएंगे, इसको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको पीसती हूँ। मसाले इधर पीस लिए हैं, उसके बाद देखिए ये टमाटर फ्राई हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसको एक एक करके निकालना है ताकि ये दबे ना और अच्छे तरीके से ये खड़ा रहे। तो एक एक करके इसको निकाल लिए हैं। और देखिए ये फ्राई हो जाने के बाद क्या होता है, इसका छिलका सब जो है ऊपर का पूरा सिकुड़ गया है, और इसको तेज़ आंच में और मीडियम आंच में ही फ्राई की हूँ, ये इसीलिए दबे नहीं हुए, ये अच्छे से फ्राई हो गया, देखिए खड़ा खड़ा है। तो सारे को इसको निकाल ली हूँ। अब इसमें इसी कढ़ाई में मैं मसाले डालूँगी। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ दो प्याज ली हूँ, उसको चॉपली काट ली हूँ, और उसको देखिए इस प्याज को मैं चॉप करके काट ली हूँ, और इसको अब इसमें डाल देते हैं। इसी में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है, इसी तेल में मैं इसको डाल दी हूँ। और इसमें अब इसमें मसाले जो पीस के रखे थे उसको भी डालेंगे। इससे पहले यहाँ नमक नहीं डाल रही हूँ, तो चलिए इसमें नमक डालते हैं। इसमें देखिए नमक डाली हूँ, एक चम्मच टीस्पून में एक चम्मच नमक है। और नमक डालने के बाद ये देखिए प्याज का भी कलर आपका देखिए ब्राउन हो गया है, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तब इसमें जो मसाले पीस के रखी थी उस मसाले को भी इसमें डाल देती हूँ। चलिए इसमें इसको डाल दिए हैं। और मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे ऊपर ऊपर। देखिए ऑयल छोड़ दिया है, ये मसाले ठीक से फ्राई हो गए हैं। और इसका प्याज का भी देखिए पूरा सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले पूरा घुल गए हैं, पेस्ट बन गए हैं। तब इसमें जो है कि लाल मिर्च और आमचूर का पाउडर ये दोनों डाल रही हूँ। मैं आमचूर का पाउडर देखिए एक चम्मच यहाँ डाली हूँ खट्टाई के लिए। टमाटर में खट्टाई है लेकिन फिर भी इसमें खट्टाई आमचूर का पाउडर अच्छा लगता है। और एक चम्मच लाल मिर्च डाल दी हूँ, तीखा जितना खाए उतने डालें आप। और देखिए अब इसको सारे को मैश लेती हूँ, अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये ग्रेवी बहुत अच्छा बने। इसके देखिए चम्मच के द्वारा इसे मैश लिए हैं। अब इसमें डेढ़ कटोरी जैसे मैंने पानी डाल दी हूँ मसाले वसाले धो के वो सारे, और इसमें टमाटर डाल दी हूँ। और ये देखिए टमाटर खोल गया, एक उबाल आया है, उसके बाद इसका गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। और देखिए सब्ज़ी बनके तैयार है। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप एक बार विश्वास कीजिए और बनाइए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार है। और ये इतने टेस्ट हैं कि आप इसके सामने मटन चिकन सब फेल है, ज़रूर आप बनाएँ। बाय बाय।